नगर पंचायत पेंड्रा में प्रतीक्षा बस स्टैंड का निर्माण लाखों की लागत से 2006 में हुआ था, तब से लेकर अभी तक बस स्टैंड संचालित नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि बस स्टैंड अभी तक अपने वास्तविक अस्तित्व में नहीं आ पाया है और जो बसें चलने के योग्य नहीं है केवल वही स्टैंड पर खड़ी दिखाई देती है। साथ ही जिन बसों का संचालन हो रहा है उससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं जनप्रतिनिधि से जब इस बारे में बात की गई तो COVID-19 का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ते नजर आए। नगर पंचायत के द्वारा बीच में पहल की गई थी नया बस स्टैंड को चालू करने के लिए, उसी दौरान कोरोना काल आ गया था जिसके कारण हम सफल नहीं हुए हैं। निश्चित तौर पर ये नगर पंचायत पेंड्रा की नाकामी है, जिसको मैं स्वीकार भी करता हूँ कि आज तक हमारे द्वारा नगर पंचायत के द्वारा आज तक चालू नहीं कर पाया गया। पर आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले 2 महीनों के अंदर नगर पंचायत के द्वारा नया बस स्टैंड को पुनः सुसज्जा के साथ चालू कर दिया जाएगा। ये निर्मित हुआ था उस समय मैं एल्डरमैन था नगर पंचायत पेंड्रा में, और निश्चित तौर पर हमने बीच में बहुत प्रयास किया, प्रशासन शासन के स्तर पर भी बसों को रुकवाने का प्रयास था, बीच बीच में बसें रुकती, लेकिन ये रास्ते में जो इनको बसों में आदत पड़ गई सवारी उठाने की, वो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि उसके कारण बस जैसा संचालित होना चाहिए वैसा बस स्टैंड संचालित नहीं हो पा रहा है। बार बार पुलिस प्रशासन के सहयोग से भी हम प्रयास किए चालू करने का, लेकिन असफल हुआ। अभी फिर उसमें पुनः हमारा ये मंशा है कि बस स्टैंड को फिर संचालित करें। बसों का संचालन तो खैर सही बात है नहीं हो पा रहा है, और कहीं ना कहीं इसके लिए प्रशासन के साथ साथ संबंधित बस मालिक जिनको सहयोग करना चाहिए प्रशासन को, वो इस काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, सबसे बड़ी वजह ये है। और आपको बता दें लाखों की लागत से बना स्टैंड अब जंग चढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि शासन और प्रशासन पूरी घटना पर मौन धारण किए हुए हैं। पूरी घटना पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता तनवीर आलम जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे कि यहां पर बस स्टैंड का निर्माण कराया गया लेकिन बावजूद इसके संचालित नहीं हो पा रहा है, क्या वजह है। अंतर्गत प्रतीक्षा बस स्टैंड का निर्माण वर्ष 2006 में किया गया था, लाखों रुपए की लागत थी, ये बस स्टैंड का निर्माण किया गया था, लेकिन बस स्टैंड बनने के बाद भी वहां बस स्टैंड को संचालित सुचारू रूप से चालू नहीं किया गया। और बस स्टैंड चालू ना होने की वजह जो भी बसें हैं वो पेंड्रा के दुर्गा चौक में खड़ी होती है और वहीं से सवारियों को उतारा और चढ़ा जाता है, जिससे यातायात काफी प्रभावित होता है। इसके लिए हमने पेंड्रा नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जलान से भी बात करनी चाहिए, तो उन्होंने इस बात को कबूला की हाँ ये हमारी कहीं ना कहीं नाकामी है नगर पंचायत की ओर से कि बस स्टैंड को सुचारू रूप से चालू नहीं करा पाया, तो कहीं कोविड का भी हवाला देते उन्होंने बात को कही। लेकिन एक बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2006 में जब ये बस स्टैंड का निर्माण हुआ था, कोविड तो 2019 में आया है, 2020 में आया है, तो उस दौरान भी बस स्टैंड को चालू नहीं किया गया था। और अगर मैंने यातायात पुलिस या सिटी पुलिस के बात की जाए कि यातायात जो प्रभावित होता है बसों के ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, तो पुलिस का भी कहीं ना कहीं यही कहना था कि देखिए नगर पंचायत की तरफ से ऐसा कोई आवेदन नहीं आया, हमको कहा गया है कि जो बसें जो बीच रोड में खड़ी होकर या चौकों में खड़ी होकर सवारियों को उतार देती हैं, तो इसकी वजह से अभी हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। लेकिन निश्चित तौर पर अब ये बात हमारे सामने आई तो आगे से इसकी बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और नगर पंचायत अध्यक्ष राकेश जलान ने भी इस बात को कहा है कि 2 महीने के अंदर बस स्टैंड को पुनः चालू कराया जाएगा। जी चलिए तनवीर, पूरी खबर पर हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ी खबर आपको गोरिल्ला पेंड्रा से बता रहे हैं, जहां पर लाखों की लागत से बना प्रतीक्षालय जो है जंग लग रही है इसमें, लेकिन संचालित नहीं हो पा रहा है।